कलर्स चैनल पे एक नया शो आया है मुझसे शादी करोगी, जो कि ऑडियंस के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो चलिए हम हाइलाइट्स की बात करते हैं कि कल के एपिसोड में आखिरकार क्या थे हाइलाइट पॉइंट्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल सिंह और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइंस। फ्रेंड्स, आपको बता दें कलर्स का नया शो मुझसे शादी करोगी, जहां पे आबरा कडाबरा पारस छाबड़ा और पंजाब की कैटरीना कैफ यानी कि शहनाज गिल ढूंढ रहे हैं अपने लिए दूल्हा और दुल्हन। ऐसे में आपको बता दें इनके लिए आए हैं पांच पांच कंटेस्टेंट, यानी कि पारस के लिए आई हैं पांच दुल्हनियाँ, तो वहीं पर शहनाज गिल के लिए आए हैं पाँच दूल्हे। अगर हम बात करें कल के एपिसोड के बारे में, तो कल का एपिसोड रहा काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार, जहाँ पर हमने देखा कि ये कंटेस्टेंट फाइनली पहुँच गए हैं घर के अंदर। कौन से घर के अंदर, आपके दिमाग में अभी ये क्वेश्चन आया होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, बिग बॉस का जो घर था उसी में आ पहुंचे हैं ये कंटेस्टेंट, यानी कि अब ये बिग बॉस का घर नहीं रहा, ये बन गया है एक नया सेट, यानी कि मुझसे शादी करोगी की कंटेस्टेंट्स का घर, जहां पे हम देखेंगे कि बहुत सारे कंटेस्टेंट यानी कि 10 कंटेस्टेंट इस घर में रुके हुए हैं शहनाज गिल और पारस छाबड़ा के लिए। वहीं पर पारस छाबड़ा और शहनाज गिल के लिए एक स्पेशल रूम बनाया गया है एज अ गेस्ट रूम, जहाँ पर शहनाज और पारस रहेंगे। वेल, आपको बता दें ये कंटेस्टेंट ने तो आते ही बवाल मचा दिया था, जैसे कि कल के एपिसोड में हमने देखा जसलीन कुछ ज्यादा ही हावी होती हुई नजर आई थी नवदीन पे, जहां पे नवदीन एकदम कोशिश कर रही है कि वो पंजाब की कैटरीना कैफ है, उनकी तरह शहनाज गिल की तरह बनने की कोशिश कर रही है, बहुत ज्यादा लोगों को उसी तरीके से एंटरटेन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उनका ये फेक एटीट्यूड कहीं ना कहीं जो कंटेस्टेंट है, बाकी के कंटेस्टेंट है, उनको भा नहीं रहा है। इसी सब के चलते कल हो गया था बिग बॉस के घर के अंदर बहुत बड़ा बवाल, जहां पे नवदीप जो है रोने लग गई थी और उसने कहा था कि मुझे नहीं रहना है अब इस घर में। तो वहीं पे शहनाज गिल के भाई यानी कि शहबाज आते हैं, उनको कहते हैं कि ऐसा नहीं करते, ये वो चीज़ें, फिर जाके वो शांत बैठ जाती हैं। और वहीं पे कल हमने देखा कि अंकिता किस तरीके से पारस छाबड़ा को इम्प्रेस करने में लगी हुई थी। पारस छाबड़ा जब अपनी बारात लेके आते हैं वहाँ पर, तब सारी लड़कियाँ लगातार पारस को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। फ्रेंड्स, आपको बता दें ये शो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है बिग बॉस की तरह, जिस तरीके से लोग बिग बॉस को प्यार देते थे उसी तरीके से इस शो को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। इस शो की अगर हम बात करें तो इस शो की लाइमलाइट बनी हुई है शहनाज गिल, जहाँ पे कल शहनाज गिल ने सारे कंटेस्टेंट्स के साथ एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड शेयर किया, यानी कि उनसे बातचीत किया, उनसे उनकी राय पूछी, उन पर बहुत सारी चीज़ें आजमाने की कोशिश की शहनाज गिल ने, जैसे कि उनको एंटरटेन करो, यानी कि शहनाज गिल को एंटरटेन करने के लिए कहा और सारे लड़के शहनाज गिल को एंटरटेन करने लग गए। वेल, अब आज के एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि लड़कियाँ पारस छाबड़ा को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन आबरा कड़ाबरा पारस छाबड़ा इतने जल्दी किसी से कहाँ मेल्ट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कल का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझसे शादी करोगी का, और आज के एपिसोड के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।